आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज़ के खास कार्यक्रम न्यूज़ रूम में, जहां सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट अपडेशन का काम जारी है। 8 दिसंबर तक यह काम चलेगा, यानी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने या कुछ करेक्शन करवाने के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। आखिरी 2 दिन भोपाल में कैंप लगेंगे, वहीं प्रदेश स्तर पर भी अपडेशन का काम तेजी से होगा। सभी बीएलओ को मतदान केंद्रों पर रहने को कहा गया है। इसके बाद आवेदनों का निराकरण किया जाएगा और नाम जोड़े हटाए जाएंगे या करेक्शन भी किया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार 17 साल से ज़्यादा उम्र वाले युवाओं के भी आवेदन लिए गए हैं और ये संख्या आपको बता दें कि हज़ारों में है। मतदाता ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके उससे आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट जो है वो आपको बता दें, www.voterportal.eic.gov.in, इस पर जाकर आवेदन किया जा सकता है वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए, हटाने के लिए। या इसके अलावा एक और ऑप्शन है, वोटर हेल्पलाइन ऐप पर भी आवेदन किया जा सकता है। तो 2 दिन का अतिरिक्त समय यहाँ पर दिया जा रहा है। साथ ही बड़ी अपडेट ये भी है कि 17 साल से ज़्यादा के उम्र के लोग जो है वो लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए अभी भी आवेदन कर सकते हैं। बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जीआईएस समिट के संबंध में यूएसए के उद्योगपतियों और फ्रेंड्स ऑफ एमपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में प्राकृतिक संपदा भरपूर है, बिजली, सड़क, पानी सहित उद्योगों के लिए समस्त बुनियादी सुविधाएं मध्य प्रदेश में मौजूद है। पहले चंबल में जहाँ डाकू हुआ करते थे, वहीं अब अटल प्रोग्रेस वे बनाया जा रहा है। आप सभी निवेशक मित्रों का मध्य प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। निवेश के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सभी मध्य प्रदेश में उपलब्ध हैं। तो यूएसए के उद्योगपतियों को सीएम का इनविटेशन और उन्होंने ये कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश के लिए हर एक तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। अगली अपडेट, नए सत्र से प्रदेश के स्कूलों का माहौल कुछ बदला होगा। छोटे बच्चों को किताबों और बस्तों के बोझ से मुक्ति दिलाते हुए रोचक अंदाज में शिक्षा दी जाएगी। यही नहीं, आंगनवाड़ी से ही अक्षर ज्ञान पर जोर दिया जाएगा, जिससे कि बच्चों के बेसिक्स क्लियर रहें। वर्तमान में कम शिक्षित कार्यकर्ता ही बच्चों से रूबरू होते हैं, लेकिन अब अधिक पढ़े लिखे शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जो पहले 3 साल बच्चों की शिक्षा का आधार मजबूत करेंगे। प्राथमिक कक्षाओं की किताबें शिक्षकों के लिए छपेंगी, जो विद्यार्थियों को किस्से कहानियों के जरिए शिक्षित करेंगे। 3री से 5वीं तक भी किताबें अनिवार्य नहीं होंगी। तो छोटे बच्चों की शिक्षा पर यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है, नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और साथ ही साथ किताबों और बस्तों का बोझ भी बच्चों पर से हट जाएगा। अगली अपडेट बैतूल से। बैतूल के गांव में बोरवेल में गिरे 6 साल के मासूम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीम का कहना है कि बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बच्चे तक खाने पीने का कुछ सामान भी नहीं भेज पा रहे हैं, उसके शरीर में कोई किसी तरह की हरकत भी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि बोरवेल में ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। आखिरी बार मंगलवार शाम 5 बजे उस बच्चे से बात हो पाई थी, लेकिन उसके बाद से कोई भी किसी भी तरह की हलचल देखने को नहीं मिल रही है। रेस्क्यू टीम ने दोपहर तक चट्टानों को तोड़कर बोरवेल के करीब ही 43 फीट गहराई तक खुदाई भी कर ली। हालांकि खुदाई के दौरान पानी का जमकर रिसाव होता रहा, ऐसे में 2 मोटर पंप की मदद से पानी को बाहर निकालने का भी काम किया जा रहा है। ना कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि रेस्क्यू टीम पूरी तरह से लगी हुई है, किसी भी तरह से बच्चे को बचाने की कोशिश अभी भी की जा रही है। हालांकि इस मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि पहली प्राथमिकता बच्चे को सकुशल बाहर निकालना है। हालांकि बच्चे के गिरने के मामले की पूरी जाँच की जाएगी। अगली अपडेट्स उज्जैन जिले से। उज्जैन के कार्तिक मेले में एक युवक की हत्या कर दी गई। जी हाँ, मेले में एक युवक की हत्या कर दी गई। क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको। युवक की मौसेरी बहन नाव वाले झूले में बैठी थी, बहन पर कुछ आरोपी कमेंट कर रहे थे। उन आरोपियों को रोका गया जब उस युवक के द्वारा, तो आरोपियों ने उसके सीने में चाकू घोंप दिए। घटना मंगलवार रात 10 बजे की बताई जा रही है। घटना के विरोध में आज सुबह परिजन और हिंदूवादी संगठन के लोगों ने शव को घटना स्थल पर रखकर चक्का जाम कर दिया। भीड़ ने झूले में तोड़फोड़ कर दी, वहीं प्रशासन ने उज्जैन के कार्तिक मेले को बंद करवा दिया है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व के एक युवा बाघ का शिकारियों ने शिकार कर दिया। विक्रमपुर गाँव के पास बाघ फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। उत्तर वन मंडल क्षेत्र में ये घटना होने की वजह से पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक या अधिकारी जो है वो किसी भी तरह का कोई जवाब देने की स्थिति में फिलहाल नहीं है। घटना विक्रमपुर के जंगल की है। यहाँ पर अज्ञात शिकारियों ने शिकार करके बाघ को मार दिया
और जानकारी के लगते ही वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे। बाघ के शव को बरामद कर लिया गया है और पोस्टमार्टम की तैयारी भी की जा रही है। अंत में बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर, तो वातावरण में नमी के कारण मध्य प्रदेश में अब कोहरे की एंट्री होने वाली है। सबसे पहले ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड के इलाकों में कोहरे की चादर छाने लगेगी। सूरज की रोशनी कम होने से दिन में भी कुछ शाम सा एहसास होने लग सकता है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अगले एक दो दिन में प्रदेश के कई इलाकों में कोहरा छाने लगेगा। अभी रात दिन के तापमान सामान्य से ज्यादा चल रहे हैं। 15 दिसंबर तक ज्यादा ठंड के आसार तो नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में अब जल्द ही कोहरा देखने को मिलेगा। तो एमपी न्यूज के न्यूज रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।